एक ओंकार सत्कार योग खालसा जियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं समुचे खालसा पंथ की चढ़ती कला दे लई उस अकाल पुरख वाहेगुरु अगे अरदास करता हाँ। खालसा जी, पाकिस्तान की कोट लखपत जेल विच पिछले 23 सालों तो बंद अते फांसी की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी सरजीत सिंह का जेल विच बेरहमी नाल कुटमार करके किया गया कतल सचमुच ही बहुत दुखदाई है। किसी भी परिवार नाल जीवन विच इस तरह का हादसा हो जाए कि उसका कोई मैंबर शराब के नशे विच गलती नाल सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया होवे अते पाकिस्तान की फौज वालों उसनु गिरफ्तार करके उसते झूठे केस पा के उसनु जेल विच बंद कर दिता गया होवे उसनु मौत की सजा का सामना करना पवे। पिछे रहे परिवार नु दुखा मजबूरियां अते दुश्वारियां का सामना करना पवे। इन्ने लम्मे जेल दे दुखा भरे जीवन तो बाद उसका बेरहमी नाल कतल कर दिता गया होवे। इस तरह के हालातों का सामना कर रहे परिवार के दुखा नु बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तरह के जीवन का संताप उही लोग महसूस कर सकते हैं जो खुद इस तरह के जीवन बतीत कर रहे हों। इस तरह सरजीत के परिवार नाल जिन्नी भी हमदर्दी की जाए वह घट है। पर खालसा जी, सरजीत सिंह की मौत तो बाद जो भी वर्तारा देश के हुकमराना वालों किया जा रहा है यह समझ तो बाहर है। देश का प्रधानमंत्री सरजीत सिंह नू देश का बहादुर सपूत कह रहा है। पंजाब का मुख्यमंत्री सरजीत की मौत से 3 दिन के सोग का ऐलान करता है। सरजीत का अंतम संस्कार सरकारी सम्माना नाल किया जाता है। यह सारा वर्तारा कई तरह के सवालों के जवाब मांगता है। खालसा जी, एक व्यक्ति जो शराब के नशे विच गलती नाल सरहद पार कर गया होवे अते उस नू 23 सालां दे दुखा भरे जीवन तो बाद बेरहमी नाल कतल कर दिता गया, जो पाकिस्तान दे हुकमराना तो अपनी जिंदगी दी भीख मंग रहा होवे, ओ व्यक्ति भारत दा बहादुर सपूत किवें हो गया? ओ व्यक्ति कौमी शहीद किवें हो गया? उस दा सरकारी सम्मान क्यों किया गया? कि उस व्यक्ति ने जेल दे जीवन विच देश लई जां कौमी हिता लई कोई लड़ाई लड़ी? कि उसनु कौमी शहीद का दर्जा अते भारत दे बहादुर सपूत का दर्जा निर्दोष होण कारण दिता गया? खालसा जी, पंजाब दी धरती ते जेकर वह कांग्रेसी आगू आके अजिहा करते हैं जिन्हां दे अपने हाथ हजारां निर्दोष सिखां दे खून नाल रंगे होए हैं, जिन्हां लोकां ने दिल्ली दीआं गलियां विच 3 दिन सिखां दा शिकार खेडिया होवे, तां इस विचों उन्हां हुकमरानां दी मकारी साफ झलकदी है। यह सवाल भारतीय हुकमराना तो जवाब मांगते हैं कि वह अजिहा पखंड देश विच होण जा रही लोक सभा चोणां करके कर रहे हैं जां फिर उन्हां वल्लों सरजीत बारे किया जा रहा यह वर्तारा इस गल वल संकेत करता है कि सरजीत भारतीय खुफिया एजेंसियां का बंदा सी। उसने सरहद गलती नाल नहीं सगों पाकिस्तान जाके बॉम्ब धमाके करन लई पार किया, ठीक उसे तरह जिस तरह पाकिस्तान दीयां खुफिया एजेंसियां भारत विच अपने बंदे भेज के बॉम्ब धमाके करवाउंदियां हन। भारतीय हुकमराना वालों सरजीत नूं दित्ते गए सन्माना तो बाद यही सच सामने आउंदा है अते भारतीय हुकमराना नूं हुण सरजीत वालों पाकिस्तान विच कीते गए बॉम्ब धमाकियां दे सच नूं भी स्वीकार कर लेना चाहीदा है क्योंकि जेकर अजिहा नहीं है तां उसे कोट लखपत जेल विच जनवरी महीने विच कुट कुट के मारे गए भारतीय कैदी चमेल सिंह की मौत तो बाद अजिहा सब कुछ क्यों नहीं किया गया? जेकर सरजीत सिंह का निर्दोष होना ही उसनु कौमी शहीद अते भारत का बहादुर सपूत का दर्जा दवांदा है तो दिल्ली दिया गलियां विच समय दे कांग्रेसी हुकमराना वालों मारे गए हजारा निर्दोष सिखां दियां उन्हां दियां धीआं भैणां दियां लाशां 3 दिन दिल्ली दियां गलियां विच क्यों गलदियां रहियां? उन्हां दियां मृतक देहां दा सरकारी सन्मानां नाल अंतम संस्कार दी बजाए उन्हां दियां लाशां नूं गंदे नालियां विच क्यों सुट्टिया गया? उन्हां नूं कौमी शहीदां दा दर्जा क्यों नहीं दित्ता गया? खालसा जी, ये भारतीय हुकमरान पाकिस्तान नूं सरजीत सिंह दी फांसी दी सजा नूं मानवता दे आधारां ते माफ कर देण दीआं बेनतियां करदे रहे अते खुद सारे मनुखी अधिकारां नूं परे रख के अफजल गुरु नूं फांसी दे तख्ते ते चढ़ाउंदे हन। खालसा जी, हजारां ही निर्दोष सिखां दे कातल
ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 16, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਿਤੀ 4 ਮਈ 2013।